स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियोस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस स्टार्ट करा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनके बारे में बताया था। न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेप इंजेशन ऑफ फूड बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था फूड जो माउथ में रखते हैं वो टीथ के द्वारा चबाए जाते हैं, जिसमें उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। जब भोजन में सलाइवा मिक्स हो जाती है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। नाउ वी स्टार्ट इन इंजेशन अवर टंग एंड टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज डिस्कस बिलो। इंजेशन में हमारी टंग और टीथ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसका डिस्कस हम करेंगे। टंग, द टंग इज ए फ्लेसी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बेक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग एक गुदगुदा मांसपेशी ऑर्गन होता है जो बकल कैविटी के पीछे अटैच रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग आर इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। ये सहायता करता है फूड में सलाइवा मिक्स करने में। इट हेल्प्स इन स्वाइलिंग द फूड, यह फूड को निगलने में हेल्प करता है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड, यह फूड के टेस्ट को बताता है। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, यह बोलने में मदद करता है। द टंग हैज स्मॉल टेस्ट बर्ड्स ऑन इट सरफेस। टंग की सतह पर छोटी टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद ग्रंथियां होती हैं। द टेस्ट बर्ड्स इन अ लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट। जो टेस्ट बर्ड्स एक लोकेशन होती है जो पर्टिकुलर टेस्ट को डिटेक्ट करती है। लोकेशन ऑफ बर्ड्स दे डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट आर शोन इन द डायग्राम बिलो। बर्ड्स की जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करती है, डायग्राम में शो किया गया है। ये टेस्ट बर्ड है बिटर, ये कड़वे को डिटेक्ट कर रही है। ये सोर है, ये खट्टे को बता रही है। ये स्वीट, ये सोल्टी बता रही है। टीथ, इन ह्यूमंस टीथ ग्रो ट्वाइस इन दियर लाइफ टाइम। ह्यूमंस में लाइफ टाइम में दो बार दांत ग्रो करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। पहला जो सेट होता है 20 टीथ का वो 2 साल की एज में अपीयर होता है। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, इन टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं। दीज मिल्क टीथ फॉल ऑफ वन बाय वन एंड अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म बाय द एज ऑफ 12। ये मिल्क के जो टीथ होते हैं एक एक करके गिरते हैं और इसकी जगह एक न्यू सेट होते हैं 32 परमानेंट टीथ का फॉर्म होते हैं 12th साल की एज में। दीज 32 टीथ आर परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ अवर टाइम। ये जो 32 टीथ होते हैं ये परमानेंट टीथ कहलाते हैं और ये हमारी लाइफ टाइम तक बने रहते हैं। दीज 32 टीथ प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन बीटिंग एंड च्यूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ये जो 32 टीथ जो माउथ में प्रेजेंट रहते हैं ये भोजन को चबाने और काटने में मदद करते हैं। व्हाइल ईटिंग द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड टू ब्रेक इट डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब हम खाते हैं तो ये दांत भोजन को काट के पीस के छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स आर फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। जो इंसीजर होते हैं वो माउथ के फ्रंट में पाए जाते हैं। दे आर चेजल शेप्ड एंड मेनली यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग। ये चेजल शेप्ड यानी छेनी के आकार के होते हैं और मुख्य रूप से भोजन को कटिंग के और बीटिंग के काम में आते हैं। नेक्स्ट टू द इंसीजर्स आर द कैनाइंस। इंसीजर के आगे कैनाइंस होते हैं। दीज आर पॉइंटेड एंड शार्प एंड आर यूज फॉर पियर्चिंग एंड टियरिंग पीसेस ऑफ फूड्स। ये जो दांत होते हैं वो नुकीले और तेज होते हैं और ये भोजन को छेदने और फाड़ने के काम में आते हैं। प्रीमोलर्स आर द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। जो प्रीमोलर होते हैं ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये चपटे और चौड़े होते हैं। दे च्यू एंड ग्राइंड फूड एंड कन्वर्ट इट इंटू फाइन पीसेस। ये भोजन को पीसते हैं, चबाते और पीसते हैं और उसको फाइन पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये इंसीजर्स, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर टीथ हैं। मोलर्स आर द सिमिलर टू प्रीमोलर्स। जो मोलर होते हैं वो प्रीमोलर के समान होते हैं बट आर लार्जर, लेकिन बड़े होते हैं। दे आर आल्सो यूज टू च्यू एंड ग्राइंड फूड, ये भी यूज किए जाते हैं चबाने के लिए और पीसने के लिए भोजन को। स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ। अब टीथ का स्ट्रक्चर, ईच
टूथ हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, प्रत्येक दांत में निम्न पार्ट होते हैं। रूट, इट इज द पार्ट ऑफ अ टूथ एम्बेडेड इन टू द जो रूट का रूट ये क्या कहते हैं, टूथ का पार्ट होता है जो जो के अंतर्निहित होता है। क्राउन, इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ, ये टूथ का टॉप पार्ट होता है। आउटसाइड द गम्स, गम्स के बाहर वाला पार्ट है। नेक, इट इज द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, और जो नेक है ये रूट और क्राउन के बीच वाला पार्ट होता है। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, जो टूथ होता है आंतरिक रूप से बना होता है एनामल डेंटाइन। एनामल, इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ ए टूथ एंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन अवर बॉडी। जो एनामल होता है ये व्हाइट पार्ट होता है टूथ का और ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है हमारी बॉडी का। डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, जो डेंटाइन होता है ये बोन स्ट्रक्चर हड्डी के समान स्ट्रक्चर होता है। इट इज हार्ड, ये कठोर होता है। टेक केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल। द बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स एंड द सलाइवा टूगेदर फॉर्म ए थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेक्यू। बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स और सलाइवा साथ में मिलकर पतली चिपचिपी लेयर फॉर्म करते हैं जिसे प्लेक्यू कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, दांतों की सतह पर प्लेक्यू डेट इजंट वॉश्ड अवे बाय ब्रशिंग प्रोड्यूसेस एसिड। ये प्लेक्यू जब हम दांतों में ब्रश करते हैं तो ये प्लेक्यू जब साफ नहीं हो पाता तो ये एसिड को प्रोड्यूस करता है। द एसिड डिजोल्व द हार्ड टूथ एनामल, जो ये एसिड होता है ये हार्ड एनामल को डिजोल्व कर लेता है। टिनी होल्स एपियर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एनामल, तब छोटा होल एपियर होते हैं एनामल की सरफेस पर। विच स्लोली गेट बिगर, धीरे धीरे ये बढ़ जाते हैं। अंटिल वन लार्ज होल एपियर, तब एक बड़ा लार्ज होल एपियर होता है। दिस इज कॉल्ड अ कैविटी, जिसे कैविटी कहते हैं। गिवन बिलो आर सम हेल्पफुल सजेशन फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स, नीचे कुछ हेल्पफुल सजेशन दिए जा रहे हैं टीथ और गम के लिए। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा। अवॉइड करना चाहिए स्टिकी और स्टार्ची फूड को खाना, और स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम आदि को खाना अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड, दांतों को प्रत्येक दिन अच्छे से ब्रश करना चाहिए सुबह और रात को सोते समय। मसाज योर गम्स जेंटली विथ अ सॉफ्ट ब्रश और फिंगर, मसाज करना चाहिए अपने बसूरों में धीरे से सॉफ्ट ब्रश और फिंगर की सहायता से। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज रो वेजिटेबल्स, कैरोट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड को खाना चाहिए, जैसे कच्चे वेजिटेबल्स, कैरोट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स और विशेष रूप से सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों को खाना चाहिए। वॉश योर माउथ थ्रोली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग, अपने माउथ को अच्छे से धोना चाहिए प्रत्येक खाना खाने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। ओके.